हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और सॉरी कि मैंने आज एक महीने बाद फ़ोन उठाया है व्लॉग बनाने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के डीएम्स आ रहे कि भाई रील्स तो तेरा आ रहा है लेकिन व्लॉग का क्या। तो आज अपन व्लॉग भी बना डालते हैं एंड मतलब अभी तक रेडी भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रहेगा। तो अभी बजे रात के 12 और हमारा है एक फ़ोटोशूट जो कि है BKC 1 में, मतलब BKC बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हमारा फोटोशूट है। हमारे साथ है बेंजामिन नाटेकर, AK बेंजामिन अन्ना और उनके उनके दो तीन दोस्त लोग भी। अभी हम लोग को यहाँ से जाने का है BKC 1 में, जहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट है। फुल प्रोफेशनल फ़ोटोशूट होने वाला है, मेरे को लग रहा है लाइटिंग वाइटिंग सब लगाने वाले हम लोग। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो फटाफट रेडी होते और निकलते BKC के लिए। चलो कॉलेज भी जाना है, दोस्तों से मिलने, बस दोस्तों से मिलने जाना है। मैं भी पार्ट टाइम जॉब से अभी जस्ट आया, अन्ना का कॉल आया था मुझे, अरे सॉरी अन्ना से मिलने आया था मैं, आइए ना अन्ना, तो बाद में बात करते हैं ड्राइविंग के टाइम बात। क्या हुआ? देखो आज पहली बार लाइफ में ना मैं आधी रात को आया हूँ एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, मतलब माशाल्लाह क्या बनाया है ये जगह, वाह। ये देखो ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स इधर करने का, यहाँ पर ही शूट करने का। अच्छा था जियो गार्डन के पहले। ये देखो यही लाइट है जो हम लोग को रील बनाते समय, मतलब हम लोग को लेना है। ओ भाई साहब, क्या ही लाइट है, क्या ही इफेक्ट आ रहा है देखो। और ये है हमारे दोस्त, हाय, क्या नाम है भाई आपका? रॉबिन। रॉबिन भाई हमारे आज के कैमरामैन, कैमरामैन या फोटोशूट। ओहो हो, ओहो भाई साहब, ओहो पिंकी लग रहा होगी। हाउ फील ब्रो, हाउ फील? नहीं 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 सर, काढ़ा तुम्ही। रॉबिन बहुत ज्यादा मेहनत करा, तो बेसिकली आई वॉज शूटिंग, तो दे ऑल्सो केम एंड कि उनको भी फोटोशूट करना था। तो फुल मुंबई पुलिस ऑन ड्यूटी। सर सर चांगला पोज है सर, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला कसा पण नहीं। काढायचे एक अच्छे खासे गरीब व्लॉगर को लाइटमैन बना दिया। एक अच्छा खासा गरीब व्लॉगर था मैं, क्या कर दिया गरीब व्लॉगर का। तर आपला नाइट शूट जे ते ऑलमोस्ट म्हणजे डन झालेलं आहे आणि आता आपण चाललेलो आहोत घरी। मग उद्या सकाळी उठून आपल्याला जायचंय मित्रांना भेटायला कॉलेजच्या। आणि आता आता जे है याला याला म्हणजेच याला आता एक रील आठवली। छावा? अरे ये छावा ना, अरे बहुत बंदा छावा है। आपने प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? हाँ, आपको कराने का जरूरत है एक्चुअली, मैं सच्ची बोला यार। व्यूअर्स कैन यू प्लीज कमेंट डाउन
नेक्स्ट मॉर्निंग कम बॅक टू द व्लॉग आणि गुड मॉर्निंग. आता आपण चाललेलो गुड मॉर्निंग नाही बोलू शकत कारण आता 12 वाजलेत आणि आपल्याला जायचंय गोरेगावला. अंशरा येते, दक्ष येतोय, तुषार येतात, सर्व आता येतात तिथे भेटायला. तर भेटायला बोलवले आणि आता मी खूप लेट झालोय म्हणून आपण आता फटाफट इथून निघू. चला, पहिल्यांदा आज लवकर लवकर पोहोचलोय मी दक्षला. अंशरा काय जल्दी पोहोचा की नाही क्योंकि पिछले एक महीने से मेरे यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं आया है. समझा दक्ष, वो पंखा कितने तक आएगा? रे ये वाला जाएगा उसमें कितने तक आएगा वो? अरे घर पे अभी है ना, था मतलब गर्मी का माहौल है तो मुझको लगाने का था घर पे तो इसलिए बोला मैं. अंशरा आता आलेली आहे आणि आता आम्ही आहोत रिक्षा मध्ये. अंशरा आणि लोक आहेत दुसऱ्या रिक्षा मध्ये. आता आम्ही चाललेलो आहे ओबरॉय मॉल. नाव तर जसं रिच मॉल वाटतो ना, ओबरॉय, विवेक ओबरॉय, असं रिच मॉल मध्ये चाललोय आम्ही आता. अँड विथ अनिश अँड रिक्षावाला भैया. कैसा म्हणून भैया चाललेलो आहोत ओबरॉय मॉलला. भेटूय आता. चला, यूट्यूब पे एक चॅनल है. नहीं नहीं वीडियो डालते है. हाँ रोज ऐसा हम डेली घूमते है ना तो उसका वीडियो डालते है रोज यूट्यूब पे. आपका ही बना रहा हूँ वीडियो अभी. आपको आगे से लू क्या? ये देखो भैया, ये है अंकल, ये रिक्शा वाला अंकल. हाय करो अंकल. अभी जा रहे हैं अंकल के साथ ओबरॉय मॉल. बस अंकल खुश. नाम बता दो अंकल आपका. नाम सिकंदर नाथ गोस्वामी है. वो सिकंदर नाथ नाम में ही रीच है अंकल तो. ऐसा लगता है अमीर पैदा हुआ है सिकंदर नाथ से. हम लोग ही गरीब पैदा हुआ. अंकल का नाम देखो सिकंदर नाथ सिंह गोस्वामी. देख रहे हो ऐसा लगता है राजा महाराजों का खानदान है. हम देखो ओमकार कारंडे कितना गरीब नाम लगता है क्या नहीं अंकल सुनने में. दिल से अमीर लेना चाहिए इंसान है क्या नहीं. यूट्यूबर का जिंदगी है हमारा अंकल. यूट्यूबर का जिंदगी है ना. कितना हुआ ये लो. एंड हियर इज ओबरॉय मॉल एंड वेर इज गरीब लोग मैन. वेर इज गरीब लोग? हाँ अनिश, वेर इज गरीब लोग? चलते हैं, मिलके बढ़िया लगा आपसे. चलो अंकल टाटा कर दो एक बार. गरीब लोग आए देखो, मतलब इतने गरीब की जिंदगी हट. हे अंशरा गरीब, इधर देख. ये गरीब से मिलने के लिए आया हूँ आज मैं. पैरागॉन नहीं है भाई मेरे पास ऐसा है ना. इधर एक नीचे पहना है मैंने अभी. केबीसी में पीछे हमारी केबीसी है. ये देखो दिख रही नहीं है क्या? जूम मारता हूँ एक मिनट रुको. आए केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति खेलने. आदर आदाब, अभिनंदन, आभार. मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति. देखो ये लोग है ना, ये लोग खाना नहीं मैं लिया ही नहीं भाई. मैं आज तक है ना मैं स्नैप भी नहीं डालता समझा. ये लोग खाने से पहले इसका फोटो निकालते. मेरा ऐसा मन करेगा मैं ऐसे सब ये कर दूंगा समझी. हाँ ये देख इसको बोलते असली बंदा. सैप नहीं लेता, कुछ नहीं लेता. दक्ष लाख तू बर्गर खाएगा ना फिर भी वड़ा पाव जैसा मजा नहीं आएगा. देखो जो बात है क्या नहीं बर्गर खा रही हूँ. अरे देखो इनडायरेक्टली वो वड़ा पाव बोल रहा है. देख रही है कुछ बोला नहीं है. इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट को वड़ा पाव बोल रहा है वो. इग्नोर हर फेस. क्या 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 अरे क्या बोला जिस तरह वड़ा पाव बर्गर को खा रहा है.
मैं नहीं छीनूंगा, आराम से खा, आराम से, कोई नहीं छीनेगा, मैं भी नहीं छीनूंगा, कोई नहीं छीनेगा। ये है टाइम जोन, अभी जाते हैं टाइम जोन के अंदर, खेलने नहीं जा रहे, बस देखने जा रहे क्या क्या है, और लेट्स गो, चलो जाते हैं टाइम जोन के अंदर। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कार्ड कार्ड किधर है, क्या क्या पेट्रोल पंप, पेट्रोल पेट्रोल पंप भाई, अभी पेट्रोल का वो शॉर्ट चल रहा है, तो अभी यहाँ पे आके पेट्रोल भरा करते हो, हाँ कुछ नहीं है सर, पेट्रोल भरा हो यहाँ पे आके, ठीक है। और गरीब का बच्चा गुम हो गया यहाँ पे, ए क्या कर रहा है तुषार, देखो इन्हें ये है उसकी बूंदे अंगड़ाई है। ऐसा मुंह में लाल टपक रहे थे कोई लोग को PS5 देख के क्रोमा में आके, हाँ कैसा कैसा लाल टपक रहे थे PS4 देख के, PS5 है सॉरी। 30,000 का एयरफोन है सोनी का, और ये 2,900 का है, ये भी 10,000 का है, मतलब ये दक्ष, ये लोग ये एयरफोन से गाना सुनने का कि दुनिया का आवाज़ सुनने का, भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मतलब बाहर का आवाज़ नहीं आएगा, मतलब मरना फिक्स है। यस सुनना, मैंने वहाँ पे ना 30,000 का एयरफोन देखा रे सोनी का, जो सीधा भगवान से बात कर रहा था, 4 लाख का टीवी भाई, इतना महंगा महंगा को देख, मेरे घर पे 15,000 का है, सेम दिखाता सब, बस शायद से डीसी होता है विद गॉड, सीधा भगवान से बात कर सकते हो, 4 लाख का टीवी से सीधा भगवान से बात, और 30,000 के एयरफोन लगाओ सीधा भगवान से कॉन्टैक्ट बात करोगे। आता अपन मॉल मधून बाहेर आलेलो आहोत, परत चाललेलो आहोत, कुठे बोल, मराठी घरी, मराठी बोल थोडा, घरी, हा आता चाललेलो आहोत घरी, पण घरी जाण्याच्या आधी आपल्याला जावं लागेल, घरी जायचं तर आपल्याला जावं लागेल घोडेगाव स्टेशनला, आणि आता आम्ही आहेत रिक्षामध्ये, आणि पाठच्या रिक्षामध्ये अंशराते लोक आहेत, माझा ॲसेंट अचानक जस्ट नीलवणी होतो आहे, कारण त्याचे व्लॉग्स मी आजकाल खूप बघतो आहे, पण खूप मजा आहे त्याचे व्लॉग्स बघायला, म्हणजे यार त्या माणूस एक नंबर आहे तो, बाकी काय नाही, चला जाऊया।